गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेल फॉर द क्लास नाइन्थ एंड द लास्ट टॉपिक फॉर सेल चैप्टर इज़ सेल साइकिल एंड डिवीजन सेल डिवीजन के बारे में आपने एट्थ क्लास में भी पढ़ा है इसके नाम से भी समझ आ रहा है सेल डिवीज़न सेल्स जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए अब सेल को अपने नंबर को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत क्या है इन केस हमें कुछ इंजरी हो जाती है बॉडी में या कोई सेल जो इन्फेक्टेड हो जाता है तो सेल के नंबर कम हो जाते हैं तो प्री एग्जिस्टिंग वाले जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं न्यू सेल्स आर फॉर्मड दिस इज़ आ थर्ड पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी दैट इज़ टर्म्ड एज ऑमनिस सेल्यूलर ई सेल्यूलर ऑल द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम आर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हे आई हैव ड्रॉन अ सिंपल सेल इन देंटर्स फेरिकल बॉडीज प्रेजेंट टर्म डेज न्यूक्लियस इन द सेकेंड स्टेज ऑफ सेल डिजन न्यूक्लियस गेट्स एंड लार्ज एंड लिटिलो गेट्स एंड लार्ज इन दर्ड स्टेज इंक्रीज इन सेल साइज टेक्स प्लेस सेल का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है एंड यू कैन सी हेयर न्यूक्लियस गेट्स कम्प्लीटली डिवाइडेड न्यूक्लियस दो एक जो न्यूक्लियस था वो दो में डिवाइड हो गया है

और दो नए सेल्स बन गए इस तरह से ये वाले सेल्स अब पेरेंट सेल की तरह एक्ट करेंगे मैच्योर हो जाएंगे ग्रोथ अटेन कर लेंगे पेरेंट सेल बन जाएंगे देन अगेन टू डॉटर सेल एंड दिस सेल विल आल्सो गिव राइज टू टू न्यू डॉटर सेल्स देन अगेन सो ऑन इस तरह से नंबर जो है वो इंक्रीज होता रहता है सेल डिवीजन को हमें समझने के लिए इसमें दो टर्म आती हैं माइटोसिस एंड मियोसिस माइटोसिस एंड म्योसिस जो है वो है आपके टॉपिक में नाइन्थ स्टैंडर्ड में माइटोसिस एंड म्योसिस बट उसको पहले समझने के लिए हमें दो टर्म समझनी पड़ेंगी हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड आप सभी को पता है कि जो हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो ट्वेंटी थ्री पेयर्स होता है आई हैव ड्रॉन अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑन क्रोमोजोम ट्वेंटी थ्री पेयर का मतलब क्या होता है सपोज यहाँ पर ट्वेंटी थ्री पोजिशन्स होती हैं हमारे डी एन ए में हमारे क्रोमोजोम्स की हर एक सेल में ट्वेंटी थ्री पोजिशन्स होती हैं एंड ट्वेंटी थ्री पोजिशन पर हर एक पोजिशन पर एक एक पेयर क्रोमोजोम्स का प्रेजेंट होता है तो इस तरह से जैसे यहाँ पर एक पेयर बनाया है क्रोमोजोम का फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पेयर बनाया है क्रोमोजोम का सेकंड पोजीशन पे, इस तरह से सो ऑन करते हुए 23 पेयर्स अरेंज हो जाते हैं एंड जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं इसमें देखो ये जो बनाए हैं हमने इसको बोलते हैं क्रोमेटिड्स ये दो क्रोमोजोम्स हैं ये इसके क्रोमेटिड्स हैं एंड सेंटर में सेंट्रोमियर है अब हम कंसिडर करेंगे दो टर्म्स को हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड डिप्लॉयड सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग जो हैं ह्यूमन बींग्स वी आर डिप्लॉयड बिकॉज हमारे हर एक सेल में जो क्रोमोजोम का कंटेंट है वो टू एन है ट्वेंटी थ्री पेयर्स को हम टू एन भी लिख सकते हैं टू एन एन मीन्स ट्वेंटी थ्री टू इंटू ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स इज इक्वल्स टू फोर्टी सिक्स टोटल फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स होते हैं मैंने इसको टू इंटू ट्वेंटी थ्री की फॉर्म में लिखा है मीन्स टू एन अगर किसी ऑर्गेनिज्म में जो प्लॉयडी होती है प्लॉयडी मीन्स क्रोमोजोम्स का जो नंबर होता है क्रोमोजोम्स का जो अरेंजमेंट है वेदर वो पेयर में हैं और सिंगल हैं उसको बोलते हैं प्लॉयडी तो अगर वो टू एन की फॉर्म में है तो उसको बोलेंगे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स हमारे अंदर हमारी जो प्लॉइडी है वो डिप्लॉयड होती है सो so, हम लोग जो हैं वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं। एंड द अपोजिट वन इज हैप्लॉयड हैप्लॉयड मीन्स हाफ टू एन का हाफ कर देंगे तो ओनली जो प्लॉयडी आएगी एन इट मीन्स यहाँ पर पेयर में प्रेजेंट नहीं होते सिंगल सिंगल क्रोमोजोम्स ट्वेंटी थ्री जगह पे प्रेजेंट होंगे हमारे अंदर हैप्लॉयड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं अब ये हैप्लॉयड सेल्स कौन से होते हैं डेप्लॉयड कौन से होते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के बाद ही आपको माइटोसिस एंड मीओस का टॉपिक अंडरस्टैंड होगा गैमिट्स सबसे पहले गैमेट्स क्या होते हैं ये आपने अर्लियर क्लासेज में भी पढ़ा है रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स पेरेंट्स के जो मदर फादर होते, होते हैं इनके डिफरेंट होते हैं ह्यूमंस के केस में और दीज रिप्रोडक्टिव सेल्स अंडर गो फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन करके मीन्स फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म जायगोट सो गैमेट्स जो होते हैं ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन करते हैं एंड गैमेट जाइगोड फॉर्म करते हैं एंड जायगोट के बाद एम्ब्रियो फीटस देन बेबी बोर्न होता है

सपोज दिस इज़ अ टेस्टिस टेस्टस के अंदर सेल्स होते हैं खुद के जो डिप्लॉयड होते हैं जिनकी प्लॉइडी टू एन होती है ये सेल्स जो हैं ये गैमेट बनाते हैं गैमेट्स होते हैं मेल गैमेट क्या होते हैं स्पर्म इन केस ऑफ फीमेल ओवरी इज देअर सर्टीन सेल्स आर देयर जिनकी प्लॉइडी टू एन होती है एंड वो सेल्स ओवम बनाएंगे दैट इज़ आ फीमेल गैमेट अब इसकी प्लाइडी टू एन है इसकी भी टू एन है लेकिन जो गैमेट्स होते हैं स्पर्म एंड ओवम उनकी प्लाइडी एन होती है तो ये किस तरह से हुआ इसको हम आपको बाद में बताएंगे कि कौन से सेल डिवीजन की वजह से इनकी प्लाइडी चेंज हो जाती है कि टू एन से इनके क्रोमोजोम्स हाफ हाफ हो गए और क्यों हुए क्यों हुए इसका रीज़न आपको अभी बता देते हैं कि स्पर्म एंड ओवम फर्टिलाइजेशन करेंगे फ्यूज़न के अंडर जाएंगे फ्यूज़ करेंगे एक दूसरे से इन ऑर्डर टू फॉर्म जाइकोट अब गैमेट्स जो है वो हैप्लॉयड हैं दोनों 23 क्रोमोसोम्स 23 क्रोमोसोम्स दोनों फ्यूज़ हो गए जायगोड बन गया 23 थ्री प्लस ट्वेंटी थ्री हो गए 46 सिक्स क्रोमोजोम्स जो कि एक्चुअल ह्यूमन के अंदर होते हैं ह्यूमन के अंदर ही स्पर्म बना ह्यूमन के अंदर ही ओवम बना लेकिन ये हैप्लॉयड बने हेप्लॉयड ने दोबारे से रिवाइव कर लिया एंड डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बना दिया जाइगोट बना दिया जो यूनीसेलुलर होता है अब जाइगोट के अंदर बहुत सारे सेल डिवीजन हुए हर एक सेल जो था वो टू एन टू एन टू एन इस तरह से इंक्रीज होते गए नंबर में सेल डिवाइड होता गया एंड एट लास्ट फीटस बना दिया जिसके अंदर हर एक सेल टिश्यू ऑर्गन जो भी है वो सब टू एन की प्लॉइडी में ही है अब दो टाइप ऑफ सेल डिवीज़न होते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस इक्वेटोरियल डिवीज़न एंड रिडक्शनल डिवीजन इक्वेटोरियल डिवीज़न मींस इक्वल एंड रिडक्शनल मींस हाफ करना नंबर को क्रोमोजोम के नंबर से ये रिलेट कर रहा है अगर हम इक्वेटोरियल डिवीजन हो रहा है इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स सपोज एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सेल है वो टू एन वाला है मीन्स फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स हैं अगर वो सेल डिवाइड करके दो सेल बनाता है दोनों के 46, 46 क्रोमोसोम्स हैं इट मीन्स ये इक्विटोरियल डिवीज़न है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म और डिप्लॉयड सेल आफ्टर डिवाइडिंग फॉर्मिंग टू सेल्स ऑफ द सेम प्लॉय दैट इज डिप्लॉयड तो इट मीन्स ये माइटोसिस डिवीजन है अगर आप यहाँ पर देखें कि एक ऑर्गेनिज्म या सेल है उसकी प्लॉयडी टू एन है एंड वहाँ पर रिडक्शनल डिवीज़न हो रहा है हाफ हाफ हो रहे हैं दो सेल बन रहे हैं और उसके क्रोमोसोम का नंबर जो है वो रिड्यूस हो रहा है हाफ एक सेल में जा रहा है हाफ एक सेल में देन इसको हम मियोसिस बोलते हैं इसको मैं एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं अगर हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है या हेप्लॉयड सेल है देन वो सेल डिवीज़न कर रहा है और हेप्लॉयड ही बना रहा है सेल्स को तो वो माइटोसिस है अगर डिप्लॉयड डिप्लॉयड बनाता है हेप्लॉयड हेप्लॉयड बनाता है तो माइटोसिस है लेकिन अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म और, और सेल हैप्लॉयड वाले सेल्स बनाता है हैप्लॉयड डॉटर सेल्स तो वो मियोसिस होता है माइटोसिस जो है वो सिंपल प्रोसेस है मियोसिस जो complex and large process है कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रोसेस है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है इसका एग्जाम्पल है स्किन सेल्स डिवीज़न हमारी जो स्किन होती है वो दो लेयर से बनी होती है एपिडर्मिस एंड डर्मिस। एपिडर्मिस अपर लेयर होती है एंड डर्मिस लोअर लेयर होती है एपिडर्मिस पतली थिन लेयर होती है डर्मिस थोड़ी थिक लेयर होती है ये सेल्स डिवाइड करते रहते हैं और सेल्स को पुश ऑन करते रहते हैं ऊपर की साइड आपने देखा होगा हमारी स्किन जो है ड्राई हो जाती है लूज़ हो जाती है तो वो वहाँ से वियर आउट भी हो जाती है या इंजरी हो जाती है तो वहाँ से स्किन कट के नहीं भी आ जाती है तो जो एपिडर्मिस वाले सेल्स हैं वो सारे वियर एंड टीयर के अंडर होते हैं मींस खराब हो सकते हैं जल्दी अब डर्मिस वाले सेल्स क्या करते हैं सेल को डिवाइड करते रहते हैं एंड पुश ऑन करते रहते हैं एट लास्ट यहाँ की जो लेयर होगी डर्मिस वाली वो एपिडर्मिस की तरह काम करेगी यहाँ पर जितने भी सेल्स हैं वो टू एन वाले हैं एंड टू एन ही सेल्स बनाते हैं सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइटोसिस एंड द एग्जाम्पल ऑफ मीओसिस इज गैमिटोजेनेसिस गैमिटोजेनेसिस जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन एंड गैमिटो वर्ड कम्स फ्राम गैमिट गैमिटोजेनिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स ये एग्जाम्पल है मियोसिस का आपने यहाँ पे देखा था कि टेस्टिस में जो सेल्स थे उसने स्पर्म बनाया था स्पर्म की प्लॉयडी एन है एंड टेस्टिस वाले जो सेल्स थे से उनकी प्लॉइडी टू एन है तो टू एन से एन हुई ये कौन सा डिवीजन हुआ मियोसिस इट मीन्स ह्यूमन बॉडी में माइटोसिस एंड मीओसिस दोनों डिविजन होते हैं थैंक यू